हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनु धाकड़ ऑनलाइन क्लासेस। और इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे अपन अपना जो कॉस्मेटिक स्टोर है क्रिएट कर सकते हैं, कॉस्मेटिक स्टोर की वेबसाइट ऑनलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं सारी चीज़ें, और कैसे अपन उसको सेल कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज ऐसे बना रखे हैं जो ऑनलाइन स्टोर्स यानी कि ऑर्गेनिक स्टोर हो गया, शॉपिंग स्टोर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है जो जिसकी अपन वेबसाइट्स बनाने के लिए डेवलपर्स को हायर करते हैं। वो वाली वेबसाइट्स अपन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, बस अपन को डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी होती है। उसके बाद सारी चीज़ें इजी होती है, और अपन डेवलपर को हायर करते हैं या फिर किसी फ्रीलांसर को बताते हैं कि हमें ये वेबसाइट चाहिए, तो वो बहुत सारा परचेज अपन से पे कर सकता है, पे ले सकता है, बहुत सारे पैसे ले सकता है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपन को खुद थोड़ी बहुत चीज़ें आती हो तो अपन खुद अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे अपन अपनी कॉस्मेटिक स्टोर की वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगी और बहुत इजीली, बहुत इजी कंसेप्ट में पता चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो ओपन हो रखा है ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। जब आप डोमेन होस्टिंग को दोनों को कंबाइन कर देते हो तो उसके बाद आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ता है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद ये वाला पेज ओपन होके आता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे मेन्यूज दिख रहे हैं, इधर इतनी सारी चीज़ें, तो ये आपको नहीं शो होगी क्योंकि ये प्लगइन्स होते हैं और ये इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, और मैंने बहुत सारे प्लगइन्स इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं इसलिए यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे आप किसी थीम को इंस्टॉल करोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा कि आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, तो आप उस टाइम पे उनको इंस्टॉल कर लेना। तो कैसे अपन कॉस्मेटिक स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं उसकी वेबसाइट को, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपीयरेंस वाले फोल्डर में। जो अपीयरेंस है यहाँ पे जाना है आपको, और यहाँ पे उसके बाद एड न्यू में जाना है। एड न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा सर्च करोगे तो आपको ये वाली थीम शो होगी जो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद एक्टिवेट शो होगी। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल्ड राइट क्लिक आ रहा है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल शो होएगा, उसको इंस्टॉल करना। देख, इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा तो उसे एक्टिवेट करना, ठीक है। अब इसको एक्टिवेट करने के बाद आप वापस अपीयरेंस वाले फोल्डर में जाना। एक्टिवेट होने के बाद आपको जो एक्टिवेट हो जाएगी तो यहाँ पे ये फर्स्ट जगह, फर्स्ट वाली जो पोजिशन है यहाँ पे आपको शो होगी, और यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा। इसका मतलब है कि ये अपडेट हो चुकी है। उसके बाद आपको जाना है एक्स्ट्रा ऑप्शंस में। आपको एक कॉस्मेटिक स्टोर क्रिएट करना है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस में जाना है, देन सी लाइब्रेरी में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखाई दे रही है, कुछ आपको पे करके लेनी पड़ेगी, कुछ आपको फ्री मिल जाएगी। तो अपन को क्या, अपन को एक कॉस्मेटिक स्टोर की वेबसाइट क्रिएट करनी है, यानी कि ये तो ये फ्री वेबसाइट है जो अपन क्रिएट कर सकते हैं, और टोटली जो इसमें सब जितनी भी चीज़ें अपन अपनी वेबसाइट पे क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि अपन को किसी भी चीज़ में परेशानी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए क्रिएट करने में भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इम्पोर्ट होम टेम्पलेट या फिर इम्पोर्ट कम्प्लीट साइट, तो अपन इसको कम्प्लीट साइट को इम्पोर्ट करेंगे जिससे कि अपन को कम्प्लीट डिटेल्स अपन को मिल जाएगी। ये कुछ टाइम लेगा इसको इम्पोर्ट होने में, जैसा आपका नेटवर्क कनेक्शन है जिससे आपने इसको कनेक्ट कर रखा है आपके लैपटॉप को, जैसा कनेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लेगा। तो मैं यहाँ पे स्किप एंड इंपोर्ट कर देती हूँ, डिलीट प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट इंपोर्ट, तो जो पहले जो डेटा है उसको इंपोर्ट डिलीट करेगा ये, उसके बाद आपको नई वेबसाइट्स को इंपोर्ट करेगा। तो कुछ टाइम लेगा, जैसा आपका नेटवर्क कनेक्शन है उस अकॉर्डिंग ये टाइम लेगा। 10 मिनट्स भी लग सकते हैं, 2 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, तो थोड़े टाइम तक रुकना क्योंकि कनेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा। बीच में इसको कैंसिल मत करना, और पूरा होने के बाद देखना कि आपकी जो कॉस्मेटिक स्टोर की वो कंप्लीट वेबसाइट आपको बनी हुई मिलेगी। आपको ओनली इसमें एडिट करना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ें लिखनी है, तो बस मुझे उस जगह ही लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपको उसमें लेआउट भी आपको सोचना है कि कैसा लेआउट दूंगी या फिर चीज़ें, ठीक है। आपको इमेज एड करनी तो आप सिंपली उस इमेज को रिप्लेस करके आप वहाँ पर चेंज कर सकते हो, आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो इसमें। लेकिन आपको अगर नहीं भी करो तो भी ये बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देगी आपको बहुत, ठीक है। तो अब ये कुछ टाइम लेगा, तब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर देती हूँ, और उसके बाद इंपोर्ट होते हैं इसको ऑन करके फिर आगे चीज़ें बताऊँगी।
तो ये यहाँ पे कम्प्लीटली इम्पोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली, वेबसाइट इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे अपन जाके व्यू साइट करेंगे जिससे कि अपन को अपनी साइट दिखाई देगी कैसी वो दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखो ये कितनी सुंदर वेबसाइट दिखाई दे रही है ऑर्गेनिक स्टोर की। अगर इस पे कोई आएगा तो वो जरूर परचेज करना चाहेगा ऑर्गेनिक वेब प्रोडक्ट को। ठीक है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कैसे क्रीम है, कैसे ऑयल से, कैसी सारी चीजें। ठीक है, हैप्पी क्लाइंट से कि इनके क्या क्या रिव्यूज है, लेटेस्ट प्रोडक्ट क्या है, सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। और यहाँ पे मेन्यूज में होम, शॉप, टेस्टिमोनियल्स, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ये कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन शॉप करना चाहते हैं इस वाली क्रीम को, इस पे टिक करेंगे। देन उसके बाद ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, देखो कितना अच्छा शो हो रहा है यहाँ पे। इसका नाम ऐसे समझ में नहीं रहा, तो ऐसे करके अपन कर सकते हैं। बहुत अच्छी इसको बना रखी है। एड टू कार्ट करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कितनी क्वांटिटी लेनी है। और ये 60 का आएगा, मैं 2 क्वांटिटी लूंगी तो ये 120 का हो जाएगा, तो मैं 2 को करती हूँ। एड टू कार्ट करेंगे, इसके बाद ये एड टू कार्ट करा है, उसके बाद व्यू कार्ट करेंगे। व्यू कार्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाना, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सब टोटल कितना है, 120, 120 क्योंकि 60 का था। अब अपन को करना है चेकआउट, तो चेकआउट पे जाएंगे अपन। चेकआउट पे जाने के बाद अपनी जो चीज, अपना जो प्रोडक्ट अपन ने लिया था उसकी सारी डिटेल्स चेकआउट में शो होगी। प्लस अपन वहाँ पे अपने बैंक डिटेल से वो भी शो होगी, अपनी डिटेल से वो शो होगी। और उसके बाद अपन उसको परचेज कर सकते हैं। एड टू कार्ट करेंगे, व्यू कार्ट करेंगे, तो ये भी अपने कार्ट में देखो यहाँ पे 3 आइटम शो हो चुके हैं, तो सब टोटल कितना, 150 है। यहाँ पे अपन इसको रखना चाहते हैं रख सकते हैं, क्रॉस करना चाहते हैं क्रॉस कर सकते हैं, जिससे कि अपना जो चीजें हैं वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे अपन परचेज कर सकते हैं। तो अपन अपनी साइट को इस तरह से बनाए कि अपन वहाँ से अपन अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। ठीक है, ऑनलाइन भी अपने कोई शॉप है और अपन चाहते हैं कि ऑनलाइन भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, तो अपन उसको सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो उसके लिए अब अपन को कस्टमाइज वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा कि अपन को बहुत सारी चीजें एडिट भी करनी है। एडिट करने के लिए कस्टमाइज वाले ऑप्शन में जाएंगे, जिससे कि बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अभी यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टोर लिखा हो तो इसको भी चेंज करना है। यहाँ पे ब्यूटी प्रोनाउंस, यहाँ पे मैं और यहाँ पे लिखना चाहती हूँ कि कॉस्मेटिक स्टोर, तो वो चीजें सारी चीजें अपन को लिखनी है। देखो यहाँ पे सारी चीजें अपन चेंज कर सकते हैं। ये वाला पेंसिल का आइकन शो हो रहा है, जहाँ पे पेंसिल का आइकन शो हो रहा है वहाँ पे अपन सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। हेडर पे जाएंगे सबसे पहले कि अपन को सारी आइडेंटिटी क्या देनी है, जैसे कि ये अपना जो ये था इसको लोगों को, लोगो ये वाला देना है, रेटिना लोगो भी ये वाला देना है। उसके बाद लोगों की विड्थ कितनी रखनी है, जैसे इसको देखना ये लोगो है, मैं इसको चेंज कर रही हूँ। तो जैसे मैं इसको पब्लिश करूंगी तो इसकी हाई विड्थ चेंज हो जाएगी। इसकी थोड़ी सी विड्थ चेंज हुई क्योंकि इतना ही किया था जिससे थोड़ी सी विड्थ चेंज हुई। यहाँ पे साइट आइकन भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टोर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कॉस्मेटिक स्टोर लिख सकती हूँ, कॉस्मेटिक स्टोर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं
देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टोर लिखा हो, जैसे मैं इसको पब्लिश करूँगी, पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे कॉस्मेटिक स्टोर शोन लग गया, ठीक है। तो ऐसे अपन इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं जो भी, और अगर अपन चाहे कि अपन को इसमें बहुत ज़्यादा ही चेंज करना है तो क्या करेंगे अपन, इसको तो क्रॉस करते हैं, यहाँ पेजेस वाले ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद अपन को सारे पेजेस यहाँ पे शो होंगे जो जो भी इसमें पेजेस है। तो मान लो मेरे को होम पेज एडिट करना है, तो उसके लिए आपको एक एलिमेंटर नाम का प्लगइन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। एलिमेंटर नाम का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, जैसे आप होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर भी आ रहा है। तो एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो अपन को हर एक का सेक्शन डिवाइडेड बना हुआ आएगा कि इस सेक्शन को आपको यूज़ करना है, इस सेक्शन को आपको हटाना है। तो पहले मैं कॉन्टेक्ट वाला हटाती हूँ, जैसे कॉन्टेक्ट में कैसे अपन यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर एड भी कर सकते हैं, सेक्शन को हटा भी सकते हैं। तो एडिट विद एलिमेंटर करेंगे इसमें भी अपन, ये यहाँ पे जा रही है लाइन अभी पूरी होते ही एलिमेंटर ओपन हो जाएगा कॉन्टेक्ट पेज का। अब देखो ये कॉन्टेक्ट के लिए जो कॉन्टेक्ट पेज था अपना, उस जो कॉन्टेक्ट पेज था, जैसा जैसे यहाँ पे इस पे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हैं, जैसा कॉन्टेक्ट पेज था वैसा कलर सा वहाँ पे शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज है ना, ये वहीं पे वैसा ही शो हो रहा है। अब अपन इसको कैसे, यहाँ पे इसको भी हटा सकते हैं, अपन चाहे तो इनको हटा सकते हैं, अपन चाहे तो इनको हटा सकते हैं। यहाँ पे आप हर एक चीज चेंज कर सकते हो, बटन चेंज कर सकते हो, सारी चीजें आप इस पे चेंज कर सकते हो। चाहे तो आप इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस के बहुत सारे ऑप्शंस भी आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे पूरा पेज है, आप ऐड कर सकते हो, और आप यहाँ पे ब्लॉक्स भी ऐड कर सकते हो, ऐसे ब्लॉक्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जिस ब्लॉक पे आप टिक करोगे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको ऐड इंसर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एलिमेंटर भी, तो एलिमेंटर के थ्रू अपन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे खुद आप बटन लगा सकते हो, खुद वीडियोस क्रिएट कर, डिवाइडर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो एलिमेंटर के थ्रू आप बहुत सारी चीजें एडिट कर सकते हो, बहुत अच्छी वेबसाइट को बना सकते हो। तो ये थी अपनी कंप्लीट डिटेल्स किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर को क्रिएट करने की, जो बहुत इजी वे में क्रिएट हो सकता है। ज़्यादा अपन को कोई परेशानी की दिक्कत नहीं आती है, और अपना कॉस्मेटिक स्टोर यानी कि बहुत अच्छी वेबसाइट अपनी क्रिएट हो सकती है। अपन को अपनी लोकेशन यहाँ पे दे सकते हैं, कि मोबाइल नंबर दे सकते हैं ताकि कॉन्टेक्ट कर सके, और शिपिंग भी लगा सकते हैं। अगर अपनी कोई बड़ी शॉप है जिसमें अपन, जैसे अमेजोन टाइप की शॉप है, तो अपन उसमें शिपिंग भी लगा सकते हैं, जिसमें कुछ बंदे हायर करके अपन उनको डिलीवरी के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।